हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमी एट जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर उत्तराखंड और इस समय जो हम कर रहे हैं वो न्यूमरिकल्स कर रहे हैं ऑन इरीगेशन वाटर मैनेजमेंट एंड पर्टिकुलरली ऑन इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट तो अभी तक हमने जो न्यूमरिकल्स देखे दोज न्यूमरिकल्स वर ऑन सॉयल मॉइस्चर कंटेंट ऑन वॉल्यूम बेसिस ऑन वेट बेसिस और हमने देखा कि डेप्थ बेसिस पे सॉइल मास्टर की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दॉयल मास्टर कंटेंट बिटवीन वेट बेसिस एंड वॉल्यूम बेसिस तो ये न्यूमरिकल्स हम कर चुके हैं इसके वीडियो अपलोड हैं जिन स्टूडेंट्स ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो के न्यूमरिकल्स को देखें तो आज के न्यूमरिकल्स फिर उन्हें समझ में आएंगे तो जो हमने लास्ट न्यूमरिकल किए थे वाटर रिक्वायरमेंट ऑन डैप्थ बेसिस तो हमने देखा था कि जो फार्मूला होता है वो कैसे हम उसको यूज करते हैं तो आज हम देखेंगे कि नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट हमको निकालनी है तो वो फार्मूला क्या होगा नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट तो ये हमको समझना पड़ेगा कि नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है देखिए ऐसा है कि रूट जोन होता है रूट जोन तक हम इरीगेशन करते हैं मान लीजिए क्रॉप का रूट जोन यहां तक है दिस इज द डेप्थ ओके और इसमें जो है जब हमने एक बार इरीगेशन दे दिया तो इसमें धीरे धीरे मॉइस्चर क्या करेगा लूज करेगा ई और कंजप्टिव यूज में तो एवर ट्रांसफोरेशन जाएगा या कंजप्टिव यूज में जाएगा धीरे धीरे मॉइस्चर क्या लगेगा कम होने लगेगा और फिर हम उस मॉइस्चर की डेफिशेंसी को पूरा करने के लिए फिर एक इरीगेशन देंगे तो जो मॉइस्चर की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमने इरिगेशन दिया है दैट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट और जो हम इरिगेशन देते हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कहां तक देते हैं हम फील्ड कैपेसिटी तक देते हैं तो मान लीजिए कि मॉइस्चर कंटेंट यहां इस लेवल तक है और फील्ड कैपेसिटी इस लेवल तक है तो हमको इरीगेशन कितना लेवल तक देना होगा केवल इतना देना होगा दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए यह लेवल मॉइस्चर कंटेंट का है और यह फील्ड कैपेसिटी का है तो हम इरीगेशन इस लेवल तक देंगे तो इसके बाद देर आर टू फैक्टर विच डिसाइड नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट नंबर वन वट इज़ द फील्ड कैपेसिटी जहाँ तक मैं इरीगेशन देना है नंबर टू वट इज दी मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरीगेशन तो जो इन दोनों का जो फील्ड uh, कैपेसिटी और मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरीगेशन ये जो डिफरेंस होगा ये हमें बताएगा कि हमें कितना मॉइस्चर देना है मान लीजिए कि फील्ड कैपेसिटी मान लीजिए 15% है और बिफोर इरीगेशन मॉइस्चर मान लीजिए टेन परसेंट है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो फाइव परसेंट तो हमें इरीगेशन कितनी देनी होगी फाइव परसेंट इरीगेशन देनी होगी तो ये इस तरह से आएगा लेकिन जब हम इसको डैप बेसिस पर कन्वर्ट करेंगे इस परसेंटेज को तो जो हम देखना पड़ेगा जो हमारा फार्मूला था पिछली बार वोला फार्मूला लगेगा इरीगेशन ऑन डेप बेसिस तब दिस इज डिवाइडेड बाई हंड्रेड देन बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल वट इज़ द बल्क डेंसिटी उसको और व्हाट इज दी रूट जोन डेप्थ ये सॉइल डेप्थ क्या है सॉइल डेप्थ इन सेंटीमीटर सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो ये वही फार्मूला है जो सॉइल में डेप्थ बेसिस पे दिया जाता है तो देर इज नो डिफरेंस यही फार्मूला डेप्थ बेसिस इरीगेशन का है यही नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट का है अगर अब हम कहें ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी देखिए ग्रॉस में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको फाइव सेंटीमीटर पानी ए, इरिगेशन देनी है फील्ड में तो जब हम सोर्स से वाटर लाएंगे तो कुछ उसका कन्वेंस लॉस होगा कुछ इसमें सीपेज लॉस होगा कहीं ए, उसमें रूट जोन में प्रॉपर नहीं जाएगा सॉयल में जाके लॉस होगा तो कुछ लॉस उसमें हो जाता है तो अगर हम फाइव सेंटीमीटर वाटर डेप्थ चाहिए और हम फाइव सेंटीमीटर डेप्थ वाटर ट्यूबवेल से रिलीज करें तो फाइव सेंटीमीटर पूरा फील्ड में नहीं आएगा मान मतलब इसको सेंटीमीटर को अगर समझ में ना आ रहा हो एग्जाम्पल तो आप ये समझें कि हमें फील्ड में मान लीजिए एक लाख लीटर पानी चाहिए और आपने ट्यूबवेल से एक लाख लीटर पानी छोड़ा तो पूरा ट्यूबवेल से पानी एक लाख लीटर नहीं आएगा फील्ड में कुछ सीपेज में चला जाएगा कुछ ज़मीन टूट जाएगा कुछ कन्वेंस लॉस होंगे तो जो आपका एक लाख लीटर पानी जो आपने ट्यूबवेल से छोड़ा था वो खेत में आते आते हो सकता है कि सेवेंटी या एट्टी थाउजेंड रह जाए हो सकता है फिफ्टी थाउजेंड रह जाए तो ये हमें देखना पड़ेगा हमारा इफिशेंसी क्या है हमारा लॉस कितना हुआ हमारी इरीगेशन इफिशेंसी क्या है तो उस इफिशियंसी को यूज करके मान लीजिए कि हमारा 20 परसेंट लॉस होता है तो हम क्या करेंगे 20 परसेंट और हम एक्स्ट्रा वाटर देंगे ताकि उस लॉस को पूरा कर सकें तो यही ग्रॉस ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है जब उसमें इफिशियंसी को यूज़ करते हैं कि उसमें कितनी इफिशियंसी है तो इरीगेशन इफिशंसी कभी हंड्रेड नहीं होती कि हमने हंड्रेड पानी छोड़ा और हंड्रेड जो है वो फील्ड पर आ गया उसमें लॉस होगा ही होगा तो इरीगेशन इफिशियंसी सिक्सटी भी हो सकती है सेवेंटी भी हो सकती है बहुत अच्छा इरीगेशन सिस्टम होगा तो नाइनटी परसेंट भी हो सकती है लेकिन जनरली जो फील्ड में जो चैनल की इफिशियंसी होती है वो अबाउट सिक्सटी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट ही रहती है और बहुत ज्यादा सेवेंटी परसेंट हो सकती है तो जो ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट होगा ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट इसमें हम क्या करेंगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि इज इक्वल टू नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या है जो मैंने एग्जाम्पल बताया फाइव सेंटीमीटर या वन लैख लीटर वाटर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इरिगेशन इफिशियंसी इरिगेशन इफिशियंसी जो 50, 60, 70 परसेंट भी हो सकती है इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100 ये होगा क्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अभी हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अवेलेबल वाटर तो क्या होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट बिल्टिंग अपर लिमिट ऑफ वाटर एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज लोअर लिमिट ऑफ वाटर अगर फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा मॉइस्चर है पानी है तो वो भी प्लांट्स uh, को अवेलेबल नहीं है और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर मॉइस्चर है तो वो भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है तो जो अवेलेबल सॉइल वाटर क्या होगा फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तो ये तो परसेंटेज में निकला अगर हम डेप्थ बेसिस में निकालना चाहते हैं सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं इसको देन अगेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड देन बल्क डेंसिटी एंड देन सॉइल डेप्थ इन सेंटीमीटर तो अब देखिए ये फार्मूला देखेंगे आप ये और ये क्या है सेम है केवल डिफरेंस किसका है मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरीगेशन का है, ये परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का है अगर हमें अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर निकालने के लिए कहा जाता है सॉइल का तो हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट यूज़ करेंगे अगर हमको ये पूछा जाता है कि नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या है तो हम इरीगेशन से पहले सॉयल में जो मॉइस्चर है उसको यूज करेंगे फिर तो एक फार्मूला रहता है इरीगेशन इंटरवल इरीगेशन इंटरवल क्या है कि आप हम जो इरीगेशन देते हैं फिर फर्स्ट इरीगेशन दी और फिर हमने सेकेंड दी तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो गैप होगा जितने दिनों का दैट इज इरीगेशन इंटरवल मतलब कि दो इरीगेशन के बीच में हमने कितने डेज का इंटरवल रखना है दैट इज़ इरीगेशन इंटरवल तो इसको कैसे निकालते हैं हम मान लीजिए हमने इरीगेशन में फाइव सेंटीमीटर पानी दिया अब फाइव सेंटीमीटर पानी जब हम देंगे तो अब हम ये देखेंगे कि ये फाइव सेंटीमीटर कब लॉस करेगा मतलब ई में कब खत्म हो जाएगा तो जब ये फाइव सेंटीमीटर लोज लॉस हो जाता है ई में या कंजेंप्टिव यूज़ में तब तो हम इरीगेशन दे देंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा पर डे ई कितनी है या डेली कंजेंप्टिव यूज़ क्रॉप का कितना है एक सिंपल बात ये समझें कि मान लीजिए फाइव सेंटीमीटर पानी हमने दिया और वन सेंटीमीटर डेली का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें फिफ्थ डे पे हमें क्या करना पड़ेगा इरीगेशन देना पड़ेगा क्योंकि पहले दिन एक सेंटीमीटर दूसरे दिन दो हो जाएगा तीसरे दिन तीस थर्ड फिर चौथे दिन फोर्थ और फिफ्थ पांचवें दिन फाइव सेंटीमीटर पानी लॉस कर जाएगा तो ये एक मैंने एग्जाम्पल बताया ऐसा तो जो इरीगेशन इंटरवल जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे कि नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट इसको मैं एन आई आर बोल दे रहा हूँ एन आई आर नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट ओके डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ई टी ई टी कितना है क्रॉप का ये ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हम इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे इस बात को ध्यान रखिए ई टी जनरली मिलीमीटर में हम वैल्यू लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन में हम मिली ए, सेंटीमीटर में रखेंगे क्योंकि हम नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट को भी सेंटीमीटर में रख रहे हैं या ई की जगह हम ए, लिख सकते हैं डेली कंज्यूमटिव यूज़ डेली कंज्यूमटिव यूज़ ये एक सिंपल सी चीज़ है कि डेली कितना खर्च हो रहा है और सॉइल में कितना है उन दोनों के रिलेशनशिप से ये निकलाएगा तो ये हो गया नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट अवेलेबल सॉयल एंड इरीगेशन इंटरवल एक होता है अलावेबल सॉइल वाटर डेप्लीशन अलाओबल सॉइल वाटर डेप्लीशन ए एस डब्ल्यू डी कि में कितना अवेलेबल वाटर है और कितना परसेंट जब सॉयल लूज कर देगी या सॉइल से खत्म हो जाएगा तो हम इरीगेशन करेंगे कि 25 परसेंट अवेलेबल वाटर जब ए में चला जाए या 50 परसेंट चला जाए या 75 परसेंट चला जाए तो उसको हम निकालेंगे तो जो एलावल सॉइल वाटर एप्लीशन होता है मान लीजिए अगर वो एक्स परसेंट है तो एक्स अपॉन हंड्रेड इंटू एवेलेबल सॉयल वाटर तो एवेलेबल सॉयल वाटर एवलेबल सॉइल वाटर अवेलेबल सॉइल वाटर यही है मैं इसको ए एस डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ एवलेबल सॉयल वाटर तो एवलेबल सॉइल वाटर कैसे निकालेंगे फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तो हमने ये फार्मूले देखे तो ये आपको जब हम न्यूमरिकल्स करेंगे तो समझ में आएगा कि अलावेबल सॉइल वाटर डेप्लीशन क्या होता है कि इरिगेशन देने के बाद जो सॉइल मॉइस्चर लूज़ करता है वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट टेन परसेंट फिफ्टी परसेंट तो कुछ क्रॉप में हमें 50 परसेंट जब सॉइल लूज़ कर जाती है तभी इरीगेशन देनी होती है कुछ में 75 परसेंट डिप्लीट कर जाए तब देनी होती है अगर बहुत मॉइस्चर सेंसिटिव क्रॉप होती है तो 20 या 25 फाइव परसेंट जैसी अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर लूज करता हम इरीगेशन देते हैं तो ये फार्मूले हैं और ये बेसिकली फार्मूला देखिए इस पर ही सारे फार्मूले चल रहे हैं जो कि डैप बेसिस पे जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं तो इस पर आइए न्यूमरिकल्स करते हैं और न्यूमरिकल्स के लिए मैं उसी बुक का यूज़ कर रहा हूँ जो Uh, मेरी अपनी बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट एंड न्यूमरिकल्स तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है अच्छा बात है अगर जिन पे नहीं है तो कोई बात नहीं इस बुक से हम न्यूमरिकल कर रहे हैं तो आपके वो काफी काम आएंगे कुछ न्यूमरिकल्स को करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू इस बुक में दिया है कैलकुलेट नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन इंटरवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें तीनों निकालना है और इंफॉर्मेशन क्या है सॉइल मॉइस्चर एट फील्ड कैपेसिटी इज ट्वेंटी फाइव परसेंट तो फील्ड कैपेसिटी इज ट्वेंटी फाइव परसेंट and soil moisture before irrigation 12% soil moisture moisture before irrigation is 12% bulk density of soil is 1.4 megagram per cubic meter and effective root zone depth is 70 centimeter. the root zone depth root depth इफेक्टिव रूट जोन डैप जहां तक जो रूट रहती है जहां तक डेट इज सेवेंटी सेंटीमीटर यह सॉइल डेप से ही इसका मतलब है इफेक्टिव रूट डेप का एंड इरीगेशन इफिशियंसी इज सेवेंटी परसेंट इरीगेशन इफिशियंसी इज सेवेंटी परसेंट एंड रेट ऑफ ई टी इज फाइव मिलीमीटर पर डे रेट ऑफ ई टी इज फाइव मिलीमीटर पर डे मतलब पर डे जो है फाइव मिलीमीटर इटी वाटर लॉस कर रहा है तो अब हमें तीनों निकालना है नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट एंड इरीगेशन इंटरवल ठीक है तो इसको देखिए कि पहले हम क्या निकालेंगे नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट एन आई आर एन आई आर इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरीगेशन ये तो परसेंटेज में हुआ जब इसे डेप्थ बेसिस में कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा इंटू हंड्रेड इंटू बी डी इंटू रूट डेप्थ जो हम सॉइल डेप्थ भी जिसे हम कह सकते हैं रूट डेप्थ इन सेंटीमीटर तो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड बर्ल्ड डेंसिटी इज गिवन वन पॉइंट फोर एंड इंटू सेवेंटी तो मैं इसका सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ ये आ जाएगा 12.74, 12.74 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इरिगेशन देना पड़ेगा मतलब जरूरत है रूट जोन में रूट जोन में हमें सॉयल मॉइस्चर कंटेंट 12 को बढ़ाकर के 25 परसेंट करना है तो हमें 12.74 सेंटीमीटर इरिगेशन देनी पड़ेगी लेकिन चूंकि सॉइल जब हम वाटर को ले जाते हैं इरिगेशन करते हैं तो लॉस होता है तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालेंगे जी आई आर कैसे निकालेंगे इसको इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे एन आई आर डिवाइडेड बाई इफिशंसी इरीगेशन इफिशियंसी इनटू हंड्रेड तो ट्वेल्व पॉइंट सेवन फोर इंटू सेवेंटी इंटू हंड्रेड और ये वैल्यू जो है दैट इज एटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर 18.2 सेंटीमीटर इसका मतलब यह है कि हमें फील्ड में अगर 12.74 सेंटीमीटर इरिगेशन देनी है तो सोर्स से जहां भी जहां से वाटर आ रहा है उस सोर्स से हमें 18.2 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर रिलीज करना पड़ेगा वहां से छोड़ना पड़ेगा तब फील्ड में 12.74 पॉइंट सेंटीमीटर की इरिगेशन होगी क्योंकि उसमें थर्टी परसेंट लॉस हो रहा है इरिगेशन कितनी है इफिशेंसी सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट है तो थर्टी परसेंट का लॉस हो रहा है तो उस थर्टी परसेंट को लॉस को जोड़ते हुए ग्रॉस इरिगेशन कितना करना पड़ेगा एटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर अब इरीगेशन इंटरवल अगर हम देखते हैं इरीगेशन इंटरवल मैं पहले बताया फिर इसको समझा रहा हूं कि रूट में पानी आ गया 12.74 सेंटीमीटर पानी आ गया अब ये वाटर डेली लॉस कर रहा है तो लॉस कितना कर रहा है फाइव मिलीमीटर पर डे तो हम ई से डिवाइड कर देंगे नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट का तो हमें इरीगेशन इंटरवल पता चल जाएगा एन आई आर डिवाइडेड बाई ई तो 12. पॉइंट ये ई की जगह डेली कंज्यूमटिव यूज भी हो सकता है डिवाइडेड बाई फाइव अब ये देखिए ये सेंटीमीटर में है ये मिलीमीटर में है तो हमें इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा सेंटीमीटर में दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए तो ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव ओके तो ये वैल्यू आएगी एट ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर एट तो ये अप्रोक्सीमेट हो गए ट्वेंटी सिक्स डेज ओके तो आप ये देख ली यहां फाइव मिलीमीटर mm है लेकिन हमने वैल्यू कितनी रखी जीरो पॉइंट फाइव क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है किसमें सेंटीमीटर में दोनों की यूनिट हमें सेम रखनी पड़ेगी तो ये आपको एक न्यूमेरिकल्स में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है जो हमें फील्ड कैपेसिटी तक मॉस्टर लाए ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट हम उसमें लॉस को जोड़ दें तो इसका मतलब इफिशियंसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा फिर क्या है हमारा इरीगेशन इंटरवल कि जब हमने एक बार इरीगेशन दे दी तो नेक्स्ट इरीगेशन कितने दिन बाद करेंगे तो वो हमें देखना पड़ेगा डेली जो है मॉइस्चर लॉस कितना हो रहा है तो लॉस या तो एटी से होता है या हम कह सकते हैं कंजम्पटिव यूज से होता है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमें ट्वेंटी फिफ्थ डे के बाद मतलब ट्वेंटी सिक्स डे पे हमें इरिगेशन करनी चाहिए इस मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए तो इसी तरह से और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपके कंसेप्ट भी इससे क्लियर होंगे तो आपने पहले के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को भी जरूर देखें तभी आपको इनकी क्लियरिटी इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन फोर वाटर कंटेंट इन रूट डेप्थ बिफोर इरिगेशन वाज ट्वेल्व सेंटीमीटर वाटर कंटेंट इन रूट डेप्थ बिफोर इरिगेशन मतलब इरिगेशन से पहले कितना था ट्वेल्व सेंटीमीटर तो मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरीगेशन वॉज ट्वेल्व सेंटीमीटर द फील्ड कैपेसिटी ऑफ साइल इज एटीन सेंटीमीटर फील्ड कैपेसिटी कितनी है एटीन सेंटीमीटर एंड पीक कंजिव रेट ऑफ क्रॉप इज सेवन मिलीमीटर पर डे तो देखिए किताब में ये से सेवेंटी मिलीमीटर पर डे है लेकिन एक्चुअली में ये 7 है इसको करेक्ट कर लीजिएगा सेवन मिलीमीटर पर डे कंज्यूमटिव यूज पीक ंजिव यूज इज सेवन मिलीमीटर पर डे द इगेशन इफिशियंसी इज सेवेंटी परसेंट इरीगेशन इफिशियंसी सेवेंटी परसेंट इसका मतलब यह है कि थर्टी परसेंट लॉस हो रहा है डिटरमाइन नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट एंड इरीगेशन इंटरवल ओके तो देखिए एन आई आर नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा कि फील्ड कैपेसिटी माइनस माइनस मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरीगेशन भाई सॉइल में इरीगेशन से पहले कितना मॉइस्चर था और हमें फील्ड कैपेसिटी तक मॉइस्चर ले जाने में कितना देना पड़ेगा दैट इज द डिफरेंस तो ये सिंपल है इसमें सेंटीमीटर में दोनों दे रखा है दैट इज सिक्स सेंटीमीटर एटी नाइन्स ट्वेल्व सिक्स सेंटीमीटर तो सिक्स सेंटीमीटर हम इरीगेशन देंगे दैट इज नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट देन ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट नाइट इरीगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई इरीगेशन इफिशियंसी इरीगेशन डिवाइडेड बाई सेवेंटी इंटू हंड्रेड तो इसका जो है इट इज एट पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर एट पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर तो देखिए सिक्स सेंटीमीटर इरीगेशन देने के लिए एट पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर वाटर रिलीज करना पड़ रहा है जो टू पॉइंट फाइव सेवन फाइव सेवन सेंटीमीटर इन दोनों का जो डिफरेंस वो लॉस हो रहा है इरिगेशन इफिशियंसी केवल सेवेंटी परसेंट थर्टी परसेंट का लॉस हो रहा है और ये हर इरिगेशन सिस्टम में लॉस होता है इरिगेशन इंटरवल इरिगेशन इंटरवल इरिगेशन इंटरवल कितना हो जाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय पी कंज्यूमटिव यूज सेवन मिलीमीटर तो सेवन मिलीमीटर mm को हम में रखेंगे सेंटीमीटर तो जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर जीरो पॉइंट सेवन ओके तो ये जो आएगा दैट इज एट पॉइंट फाइव ये करीब नाइन ऑलमोस्ट नाइन डेज आएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नाइन डेज तो ये देखिए कि इसमें जो बुक में है ये ग्रॉस इरिगेशन से कैलकुलेट हो गया था जो गलत है इसको आप आ, करेक्ट कर लीजिएगा ग्रॉस से नहीं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट से एट पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी और अप्रॉक्सीमेटली चूंकि डेज डेसिमल में नहीं आते हैं उसको हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट होल नंबर में से कन्वर्ट हम कर देंगे नाइन डेज ही हो जाएगा एट पॉइंट फाइव सेवन करके आएगा लेकिन हम कन्वर्ट कर लेंगे उसको नाइन डेज में देन अनदर न्यूमरिकल इज इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं इसी बुक से ताकि आपको और इसकी क्लियरिटी हो जाए इन क्वेश्चंस की तो सिंपल क्वेश्चन तो था क्वेश्चन नंबर सिक्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अवेलेबल सोइल वाटर डेप्लेशन इन सेंटीमीटर फील्ड कैपेसिटी इज 24, फोर फील्ड कैपेसिटी इज 24 फोर परसेंट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज 10 परसेंट पी इज 10, परसेंट सॉइल डेप्थ इज 60 सेंटीमीटर देखिए सॉइल डेप्थ की जगह इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ भी दे सकते हैं उसको आप एज सेम मानिए 60 सेंटीमीटर डेशन इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एवलेबल सॉइल वाटर अलाउेबल सॉइल वाटर डेप्लीशन अलाओबल हम कितना वाटर डेप्लेशन अलाउ कर रहे हैं इरीगेशन के लिए इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एवेलेबल सॉयल वाटर एंड बर्ल्ड डेंसिटी इज वन पॉइंट थ्री बी डी इज 1.30 पॉइंट मेगा ग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड ऑल्सो फंड अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर तो हमें इसमें ये हमको डेटा दिया हुआ है ये प्रॉब्लम दी है अब हमें क्या करना है इसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अलाउेबल सोयल वाटर डेप्लीशन इन सेंटीमीटर ये हमें निकालना है ये सेंटीमीटर में कितना होगा तो दैट इज 25 परसेंट ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर तो हमें अवेलेबल सॉइल वाटर निकालना पड़ेगा तो अवेलेबल सॉइल वाटर क्या होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट सिंपल टर्म्स अगर सेंटीमीटर में निकालें परसेंटेज में निकालें अगर हमें हम सेंटीमीटर में निकालना है तो हमें इसे डेप्थ बेसिस में निकालना होगा देन इट इज डिवाइडेड बाई हंड्रेड देन बल्क डेंसिटी इन टू सॉइल डेप्थ तो निकाल सकते हैं इसको फील्ड कैपेसिटी इज ट्वेंटी फोर परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट टेन अपॉन हंड्रेड बर्ड डेंसिटी इज गिवन वन पॉइंट थ्री एंड सॉइल डेप्थ इज गिवन सिक्सटी तो यहाँ देखिए सॉइल डेप्थ को सेंटीमीटर में ही रखना होता है तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी मैं सीधे इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ टेन पॉइंट नाइन टू सेंटीमीटर टेन पॉइंट नाइन टू सेंटीमीटर तो इसका मतलब जो अवेलेबल सॉइल वाटर है वो टेन पॉइंट नाइन टू सेंटीमीटर है तो अगर सॉइल फिल्ड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे है तो हमें इतना इरिगेशन देना पड़ेगा तब जो है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट किसमें आएगा फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचेगा हमें निकालना क्या है अवेलेबल सॉयल वाटर डेपलिशन अमाउंट डेथ को निकालना है सेंटीमीटर में इज इक्वल टू इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ अवेलेबल सॉयल वाटर यही तो है अवेलेबल सॉयल वाटर तो इट इज़ ट्वेंटी फाइव परसेंट टू परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए हमें हंड्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा ऑफ़ की जगह मल्टीप्लीकेशन एंड अवेलेबल सॉइल वाटर इज़ टेन पॉइंट नाइन टू ये जो आ जाएगा दैट इज 2.73 2.73 सेंटीमीटर तो अलावेबल सॉइल वाटर डेपलेशन का मतलब यह है कि जब हम इरिगेशन देंगे और इरिगेशन देने में हमें 10.92 सेंटीमीटर इरिगेशन देनी पड़ेगी इसको समझ लीजिए कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे अगर सॉइल है और उसे फिल्ड कैपेसिटी तक लाना है तो हमें 10.92 सेंटीमीटर इरिगेशन देनी पड़ेगी तब जो है सॉयल मॉइस्चर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी तक आएगा उसके बाद उसमें सॉयल मॉइस्चर लॉस करेगा ईटी e से करेगा तो अब मॉइस्चर जो लॉस कर रहा है वन परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट तो हमें इरिगेशन तब देनी है अलावेबल सॉयल वाटर डिप्लेशन हम कितना सॉयल वाटर डिप्लेशन को अलाउ कर सकते हैं कितना अलाउ कर सकते हैं ट्वेंटी तो 25 परसेंट हुआ 2.73 इसका मतलब कि वन सेंटीमीटर वाटर डिप्लीट करेगा टू करेगा और जब 2.73 करेगा तब हमें इरीगेशन देनी है तो अलावेबल सॉल वाटर डिप्लेशन हमें यह बताता है कि कितना मॉइस्चर लॉस होने पर हमें इरीगेशन करनी पड़ेगी तो जो क्रॉप जितनी मॉइस्चर सेंसिटिव होती हैं उनका अलावेबल साल वाटर डिप्लेशन उतना ही कम होता है जैसे पोटैटो है उसमें मॉइस्चर सेंसिटिव है कम रहेगा जैसे सोर्गम है और तो ये चूंकि ड्रॉट रेजिस्टेंट है तो इसमें अलावेबल सॉल वाटर डिप्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं मतलब कि मॉइस्चर लॉस ज़्यादा कर जाए तो भी क्रॉप सर्वाइव करेगी इसमें करीब अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट तक अलावेबल सॉल वाटर डिप्रेशन होता है तो अलावेबल सॉल वाटर डिप्रेशन हमें ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि हमें इरीगेशन कब करनी है तो जब सॉयल से टू पॉइंट सेवन थ्री मॉइस्चर लूज कर जाएगा तब हम इरीगेशन करेंगे ये इस न्यूमेरिकल से हमें क्लियर होती है चीज़ें तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए जो आपके लिए हेल्पफुल हैं और इसको आप इस बुक से कर सकते हैं जो ये बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स और अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं और आप इनसे सीख सकते हैं तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हम इसी के कंटिन्यूशन में आगे के न्यूमिकल्स करेंगे थैंक यू वेरी मच